सोनीपत से बीजेपी के उम्मीदवार मोहनलाल बडोली लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज मोहनलाल बडोली ने सोनीपत विधानसभा में अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की और मोहनलाल बडोली ने कहा कि बीजेपी पार्टी ने नहीं, देश की जनता ने 400 पार संकल्प लिया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा ब्राह्मण चेहरे पर दाव लगाया गया है। जातिवाद ना हमारे विचार में है और ना संस्कार में। वे कांग्रेस की विचारधारा का उम्मीदवार है और मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का उम्मीदवार हूं। देश में कुछ लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं, कुछ परिवारवाद तो कुछ क्षेत्र के वार्ड राजनीति करते हैं। हम राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं। ये 400 पार का नारा नहीं है, ये लोगों का संकल्प है और देश की 140 करोड़ जनता ने ये संकल्प लिया है कि अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। ये जनता का नारा है और जनता इसको पूरा करेगी और जनता पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने का काम करेगी। सर, कांग्रेस ने भी अपने 8 उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतार दिए हैं। सोनीपत से ब्राह्मण नेता है कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी, उनको आपके सामने उतारा। ब्राह्मण कार्ड है वो खेलने का प्रयास है वो कर रही है कांग्रेस, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस पार्टी का कल्चर, कांग्रेस पार्टी का चरित्र, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है बांटो और राज करो। और भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है और हम राष्ट्रवाद को लेकर चले हैं। कांग्रेस पार्टी जातिवाद की, परिवारवाद की और क्षेत्रवाद की बात करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करेगी, सबके भले की बात करेगी, 36 बिरादरी की बात। और इन्हीं खबरों के साथ स्पेशल रिपोर्ट के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।